सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस। मैं चंदन सिंह। इससे पहले मैंने आप लोगों को LCR परपथ का एक वीडियो दिया जिसमें डेरिवेशन था, उसके न्यूमेरिकल थे। आज मैं CR परपथ लेकर आया हूँ। इसका क्वेश्चन जो इस प्रकार से आ सकता है, प्रतिवर्ती धारा परपथ में धारिता सी तथा प्रतिरोध आर जुड़े हैं, प्रतिबाधा जेड के लिए सूत्र स्थापित करना है आपको, धारा तथा लगाई गई बोल्टता के बीच कलांतर भी ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपका फिगर ड्रा होगा। सी और आर पर जो हैं वो सीरीज में इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक हम ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये ग्राफ आपका इस तरह से होगा। VC जो है आपका पश्चगामी है धारा के, और VR जो है उसी तरफ बहता है जिधर करंट होती है। अब ये आपका कलांतर हो जाएगा फाई, और इसका परिणामी जो है ये वी हो जाएगा। अगर इसको हम डॉटेड लाइन में मिला लेंगे तो आपका VC ये भी हो जाएगा। अब हम इसे निकालते हैं विभवांतर का परिणामी। ये हो जाएगा आपका V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। हमें पता है VR बराबर होता है IR ओम के नियम से, और VC बराबर हो जाएगा IXC। फिर इनकी वैल्यू जिसमें रखेंगे तो हो जाएगा V बराबर अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस IXC का होल स्क्वायर। और ज़्यादा नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। फिर उसमें से I बाहर लाएंगे और इस साइड ले आएंगे तो V अपान I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। जेड बराबर एक फार्मूला होता है V अपान I का, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये आपका प्रतिबाधा का डेरिवेशन हो जाएगा। इसको हम और दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम प्रतिबाधा लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगर हमें इसका कलांतर निकालना है तो कलांतर हमें निकालना है CR परिपथ में, तो ये हो जाएगा आपका tan फाई बराबर VC अपान VR। VC की वैल्यू हो जाएगी IXC और ये है IR। I से I कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा XC अपान R, और क्लियर करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C अपान R। फिर ये हो जाएगा 1 अपान ओमेगा CR। कलांतर जो है इसका tan फाई जो है इतना आ जाएगा आपका 1 अपान ओमेगा CR। इस प्रकार से हमने CR परपथ का डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं LR परपथ का एक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। संलग्न चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ज्ञात करना है प्रेरक L का प्रतिघात, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में धारा का शिखर मान, लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर, L के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान निकालना है। इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है। R की वैल्यू 100 ओम, L दिया गया 0.1 हेनरी और 10 sin 100 t दिया गया है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले हमें निकालना है प्रतिघात, तो XL बराबर हो जाएगा ओमेगा L। हम यहाँ से तुलना कराएंगे, 10 sin 1000 t दिया गया है,
इसकी तुलना करा लेंगे हम, ये v बराबर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1000 और वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये मान यहाँ रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू है 1000 और एल की वैल्यू है 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 100 ओम। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है जेड। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, ये LR परिपथ है इसलिए फार्मूला आपका होगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। R की वैल्यू इसमें दी गई है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा L की वैल्यू आपने निकाली है ये भी 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके 100 स्क्वायर, यानी कि आपके हो गए 200 स्क्वायर। तो ये जाएगा 100√2, और प्रतिबाधा का मात्रा भी होता है ओम होता है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें निकालना है धारा का शिखर मान। तो एक फार्मूला होता है जेड बराबर वी नाट अपॉन आई नाट। तो इससे हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, आई नाट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा वी नाट अपॉन जेड। वी नाट की वैल्यू 10 है और जेड की वैल्यू है 100√2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/10√। इसको हम परिमेयीकरण भी करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2/√2। फिर ऊपर हो जाएगा आपका √2, और यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1.41/20। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.07 एम्पियर नियर अबाउट। अगला क्वेश्चन उसी में है, वोल्टता तथा धारा में कलांतर निकालना है। तो टैन फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली है 100 और आर की वैल्यू भी है 100, तो ये हो जाएगा 1। टैन फाई में 1 की वैल्यू होती है tan 45। टैन फाई इक्वल टू tan 45, तो आपका फाई हो जाएगा कलांतर जो है 45 अंश आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेरक एल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान। तो ये फार्मूला हो जाएगा वी एल बराबर I0 × XL। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, I0 की वैल्यू हमने निकाली 0.07 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 7 वोल्ट। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो LC परपज जो मैंने बताया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ज़रूर देखें, शेयर करें।